नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी पी गोस्वामी, एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको ब्रिटिशर्स भारत में सफल रहे इसके पीछे क्या कारण थे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई ऐसी क्या कारण बन गए कि इतने बड़े भव्य भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेज बड़े आसानी से अपनी विजय प्राप्त करने में सफल रहे। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बच्चे के दिमाग में रहता होगा। बच्चों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि अंग्रेज इतने सफल हुए भारत में, इसका बहुत मूल कारण है मुगल साम्राज्य का पतन। जैसा कि आपको विदित ही है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महान मुगल शासन की शक्तियां प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ और उस जिसने 2 शताब्दियों तक भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा किया था, वह बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया था। मुगल राज्य की ना केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी, वरन प्रशासनिक ढांचा भी उनका ध्वस्त हो गया था। और अंग्रेज इसके लिए जो सारा श्रेय जाता है उसका अधिकांश श्रेय औरंगजेब की गलत नीतियों को जाता है, क्योंकि उन्हीं उसी के कार्यकाल से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, उत्तराधिकार की लड़ाइयां मुगल राज्य में प्रारंभ हुई जो 1707 से 1719 तक चली। इस दौरान कई शासक बने और बिगड़े से तात्पर्य मतलब उनको हटा दिया गया। उसके बाद में अस्थायी रूप से महमूद शाह का स्थायी शासन प्रारंभ हुआ, जिसने 29 वर्षों तक भारत में शासन किया। लेकिन इसी के शासनकाल में निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की और अनेक छोटे छोटे राज्यों का विभाजन मुगल साम्राज्य महमूद शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। साम्राज्य की ऐश संरक्षणता में मुगलों के समक्ष चुनौतियां बहुत अधिक आईं, जिसमें 1738-39 में नादिर शाह का भारत पर हमला, और इसी तरह से जैसा कि आपको पता ही है जो नादिर शाह है उसने मुगल बादशाह महमूद शाह को बंदी बना लिया था और उसको छोड़ने के एवज में 70 करोड़ रुपए उसको इकट्ठा करके दिए गए। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा इत्यादि 2 बेहद कीमती चीज़ें वह लूट कर भारत से ले गया। तो इस तरह से नादिर शाह के पश्चात जो अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किए, विशेष 1748 से 1767 के बीच, जिसमें इसने भी मुगलों को लगातार परेशान किया। 1757 में अंग्रेजों की प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में अपने कदम स्थापित किए, और देखा जाए तो 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात तो अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो गए। अब प्रश्न ये होता है कि मुगल साम्राज्य का विघटन क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण बन गए कि मुगल साम्राज्य बहुत तेज़ी से विघटित हो गया। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट हुई और यह मुगल राज्य के पतन का मूल कारण बना। यह सत्य है कि साम्राज्य कई हिस्सों में अलग अलग समय के लिए अराजकता एवं युद्ध हेतु प्रतिकूल वित्तीय विपदा ने जन्म दिया। केंद्रीय शासन ने अपनी शक्ति खो दी, जिससे दिल्ली का पतन को प्रवृत्त हुआ। लोगों ने प्रांतों की ओर प्रस्थान किया, बाजारों ने अपनी प्राथमिकता खो दी, कलाकारों ने आजीविका प्राप्ति के लिए अन्य स्थानों को गमन कर दिया। इस प्रकार की स्थिति आगरा, अवध की थी। सिख विद्रोह ने स्थिति को और गंभीर बना दिया, जिसने
लाहौर अन्य स्थानों पर व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। तो देखा जाए तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया। सामान्य तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी पश्चिम भारत के समृद्ध शहरी केंद्र मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति में आ गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी प्रांतों में मराठाओं के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्ध को बढ़ावा दिया। तो मुगल साम्राज्य की प्रक्रिया विघटन का जो विघटन है वो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। और औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के सम्मुख और भी कई अन्य समस्याएं हैं, जिसमें से मूल मुख्य समस्या जो थी वो दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी। मध्ययुगीन या मध्यकालीन युग के दौरान दो वर्गों जमींदार और कुलीन वर्ग द्वारा शासक के साथ राज्य शक्ति में हिस्सेदारी की गई। जमींदार अपनी जमीन के वंशानुगत स्वामी थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिन्हें राय, राजस, ठाकुर, खूत, देशमुख जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। राजस्व संग्रहण में मदद और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध करने के कारण जमींदारों को साम्राज्य में मुख्य स्थान प्रदान किया गया था। यद्यपि मुगलों ने जमींदारों को शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास तो किया और किसानों से सीधा संपर्क साधने की व्यवस्था भी की, लेकिन वे पूर्ण रूप से इसमें सफल नहीं हो पाए। स्वयं औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी शक्तियों प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके कारण इसका बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया। कई स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की सहायता की। इसी प्रकार से एक अन्य वर्ग कुलीन वर्ग था, जिसमें ऐसे लोग थे जिन्हें बड़ी बड़ी जागीर और मनसब सौंपे जाते थे, या जिन्हें मुगल सूबों का सूबेदार नियुक्त करके इसके प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस वर्ग में कई राजपूत, शाक्षक, सूबेदार, मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अक्सर कुलीन वर्ग के शासन के तौर पर भी परिभाषित किया जाता था, क्योंकि साम्राज्य को प्रशासित करने में मुगल कुलीनों ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। मुगलों के बाद मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान विभिन्न समूहों में बढ़ती पारंपरिक शत्रुता, ईर्ष्या और शक्ति प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा ने केवल शासकों की प्रतिष्ठा को गिराया, अपितु तो मुगल शक्ति के पतन में एक अहम भूमिका निभाई। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूह का उद्गम। औरंगजेब के शासनकाल में जाट, सिख और मराठा जैसे क्षेत्रीय समूहों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने स्वयं के राज्य बनाने हेतु मुगलों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। हालांकि वे प्रारंभ में प्रयास असफल नहीं हुए, लेकिन बाद में जो संबंधित क्षेत्रों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके कारण उनका भविष्य अत्यंत साफ सुथरा दिखा, जिसमें वे सफल होते हुए दिखे। आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं भी मुगल सत्ता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है। अमीर और मनसबदारों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई थी, लेकिन उनको तनख्वाह देने के लिए पर्याप्त न तो भूमि थी और न ही कोई व्यवस्था थी। और ये कारण बना कि जमींदारों ने किसानों से और अधिक कर वसूल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण किसान भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में खड़े हो गए। उत्तराधिकारी का एक निश्चित कानून के अभाव में भी मुगलों का पतन माना जाता है। सदैव उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए हैं और यही कारण रहा कि उनकी स्थिति हमेशा कमजोर रही, राष्ट्रभक्ति का हमेशा अभाव रहा। और वस्तुतः देखा जाए तो ये राष्ट्रभक्ति का जो अभाव है वो बाद में बहुत बड़ा कारण बना अंग्रेजों की विजय का। यदि सभी में राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र चरित्र से सुसंगठित होकर वे युद्ध लड़ते या राष्ट्र से जुड़े रहते तो हो सकता है अंग्रेज भारत में सफल नहीं हो पाते। सेना की बिगड़ती स्थिति भी मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि अंग्रेज सफल रहे।
औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों को नाराज कर दिया, जिसके कारण वे विद्रोह में के रूप में उन्होंने अपना बिगुल बजा दिया। निरंतर युद्ध, कृषि के में विकास की गति का स्थिर होना और व्यापार एवं उद्योग में हाश, आर्थिक पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त कारण है जो मैंने आपसे डिस्कस किए गए। ये मैटर बड़ा बड़ा है, इसका PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। धन्यवाद।